A spring connects two particles of mass m1 and m2. A horizontal force F acts on m1, ignore friction, when the elongation in the spring is x and accelerations of m1 and m2 are a1 and a2 respectively, then choose the correct alternative. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस पे a2 acceleration है और इस पे a1 acceleration है. तो इस पूरे का अगर FBD बना लें तो क्या होगा, ऐसे करके ये तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स ऐसे करके है और स्प्रिंग में तुम्हारा x acceleration है और यहाँ पे तुम्हारा ये सेकेंड बॉडी है जिस पे तुम्हारा F फोर्स ऐसे लग रहा है. तो ये m1 हो गया और ये m2 हो गया. इस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो भी है उसको मान लेते हैं T. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में T एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में T एक्ट कर रहा है. इसका एक्सेलरेशन हो गया a1 और इसका एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा a2. तो इस सेकेंड बॉडी के लिए लिख सकते हैं दैट T इज इक्वल टू m2 a2 और फर्स्ट बॉडी के लिए लिख सकते हैं दैट F माइनस T इज इक्वल टू m1 a1. और जो T क्या है, T इज इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है. T जो है वो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स है. ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या ले सकते हैं, दैट T इज इक्वल टू kx, क्योंकि x तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज x. तो इक्वेशन बेसिकली क्या हो गया, रिस्पेक्टिवली देखो, a2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 विल बी इक्वल टू t के जगह क्या लिख सकते हैं, kx अपॉन m2. और a1 के लिए देखो क्या लिख सकते हैं, दैट a1 इज इक्वल टू f माइनस kx अपॉन m1. ठीक है, तो ऑप्शन a एंड ऑप्शन b आर करेक्ट. अब देखो, बेसिकली ये जो तुम्हारा स्प्रिंग है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है और स्प्रिंग मासलेस है, तो इस पे तुम्हारा F फोर्स लग रहा है और इस पे A1 और इस पे A2 रिस्पेक्टिवली फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो या फिर ये तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये तुम्हारा इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 लिख करके देखो क्या हो जाएगा, F माइनस T इज इक्वल टू m1 a1 और T इज इक्वल टू m2 a2. दोनों को ऐड कर दो, T और T कैंसिल हो गया, तो F इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2. ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, इस पे तुम्हारा F फोर्स लग रहा है और ये F फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या कर रहा है, m1 पे a1 एक्सेलरेशन जनरेट किया. तो F का एक पार्ट क्या किया, m1 पे a1 एक्सेलरेशन जनरेट किया और दूसरा पार्ट क्या किया, m2 मास पे a2 एक्सेलरेशन जनरेट किया. तो m2 मास पे a2 एक्सेलरेशन जनरेट किया, ऐसे भी देख सकते हो. तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस.